नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मासिस्ट सुमित स्वागत करता हूँ आपका आज के वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अश्वगंधा के बारे में। तो दोस्तों, अश्वगंधा का प्लांट जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ दिखने में इसका ऐसा फ्रूट होता है ये प्लांट पे। तो मैंने तो दोस्तों बचपन में ये बहुत खाया है। मेरे को अभी फार्मा में आके पता चला, कॉलेज में जब पढ़ाया गया अश्वगंधा और मैंने इसकी फ़ोटो देखी तो मेरे को याद आया मैंने बचपन में जो है बहुत बहुत खाया। तो शहरों में भी जो है खाली प्लॉट होते हैं आसपास घरों के, वहाँ पे मिल जाता है, और गाँव में तो ये जो है भरपूर मात्रा में अब भी जो है मेरे घर के आसपास गाँव में भी, और यहाँ भी जो है मैं शहर में रहता हूँ बाहर दिल्ली NCR में, तो यहाँ भी जो है मिल जाता है ये। यहाँ पे कम देखने को मिलता है बट गांव में ये बहुत सारा है दोस्तों। तो जो है ये जो है एक नेचुरल हमारा प्रोडक्ट है जो है एशिया और अफ्रीका में दोस्तों जो है देखने को मिलता है। इसका बोटेनिकल नेम है दोस्तों विथानिया सोमनीफेरा, WSB इसको बोलते हैं, और इसको जो है और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हमारा इंडियन जिनसेंग हो गया और विंटर चेरी हो गया, इस नाम से भी जो है दोस्तों अश्वगंधा को हम जानते हैं। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके जो है 8 टाइप के जो है बेनिफिट क्या क्या है, क्या इसकी डोज रहती है, और कैसे हमें इसका लेना चाहिए, क्या क्या मार्केट में प्रोडक्ट जो है हमारे अवेलेबल है, ठीक होता है या नहीं होता है लेने के लिए। तो सब कुछ जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों हम आज के वीडियो में। तो अब आपको थोड़ा ज़्यादा साफ दिख रहा होगा कि कुछ इस टाइप का इसका प्लांट होता है, ये पकने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ये जब खुल जाता है इसका ये पोर्शन तो फिर जो है अंदर से ऐसा ऐसा लाल लाल इसका फ्रूट होता है, ये तो ये खाने का होता है इसका लाल लाल चा, हमने बहुत खाया दोस्तों। तो दोस्तों जो है मेनली जो है ये टैबलेट और कैप्सूल में भी मिलता है, तो बट ये जो है चूर्ण में भी जो है ज़्यादातर जो है इसको चूर्ण में बेचा जाता है, उसी चूर्ण को कैप्सूल में भर के बेच दिया जाता है। तो अश्वगंधा इज मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एज चूर्ण, चूर्ण के जो है फॉर्म में मिलता है। उस चूर्ण को आप जो है पानी के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं, घी के साथ भी, और जो है शहद के साथ भी, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस टाइप से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि जो इसमें होता है हमारा जो है जो एल्कलॉइड्स जो है दोस्तों, इसमें जो है एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, एल्कलॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा एल्कलॉइड्स है ये आइसोपैलेंट्रिन, एनाफेराइन, क्यूसियोहाइग्रिन और एनाहाइग्रिन, ये एल्कलॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि जो है इसके बेनिफिट्स जो होते हैं बेसिकली इन्हीं चीज़ों के होते हैं जो एक्टिव इसमें केमिकल प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे इसमें दो एंट्री स्ट्रेसिंग एजेंट होते हैं, ये मैं आपको बता दूं कि जो है स्ट्रेस के लिए दिमाग पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादातर जो है इसका फंक्शन दिमाग पे ही होता है, दिमाग पे ज़्यादा काम करता है ये, दिमाग की जो है हर चीज़ को बढ़ाता है, मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। और क्यों बढ़ाता है, इसमें जो है हमारे दो ये मेन प्रोडक्ट होते हैं एंटी स्ट्रेसिंग एजेंट, जो है दिमाग के तनाव को स्ट्रेस को कम करते हैं। एक ये जो है हमारा पहला होता है जैसे कि आप देख सकते हैं सिटिनोडोसाइट्स और एसाइल स्टेराइल ग्लूकोसाइट, दो हमारे जो है ये एंटी स्ट्रेसिंग जो है एजेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं एल्कलॉइड के अलावा, ये हमारे एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं और दो जो है ये प्रेजेंट होते हैं, ये इसके मेन प्रोडक्ट हैं दोस्तों। अब देखते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मैंने आपको बताया कि दिमाग पे ज़्यादातर काम करता है, तो जो है हमारी स्ट्रेस और एनजाइटी है उसको ये कम करता है, और एथलेटिक परफॉर्मेंस है आपकी उसको बढ़ाता है, यानी कि आप जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, इस टाइप की जो है कोई भी कार्डियो एक्टिविटी या फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं उसमें आपकी जो है स्ट्रेंथ को ये बढ़ाता है, और जो है मेंटल हेल्थ को जो है ये इम्प्रूव करता है, कुछ भी आपकी कंडीशन है या दिक्कत चल रही है तो उसमें जो है आपकी ये हेल्प करता है रिकवरी में, उसको रिमूव आउट करने में। और ये जो है हमारे आदमी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसको बढ़ाता है, और जो है फर्टिलिटी भी जो है मैन में इम्प्रूव करता है, जिसके जो है सीमन वगैरह में दिक्कत है या जो है उस टाइप की फर्टिलिटी में दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को भी जो है इम्प्रूव करता है। उसके अलावा दोस्तों जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को जो है ये ठीक ठाक रखता है, नॉर्मल मेंटेनेंस लेवल में रखता है, किसी भी टाइप की बॉडी में इन्फ्लामेशन है उस इन्फ्लामेशन को दूर करता है, और हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि जो है मेन फंक्शन इसका दिमाग पे होता है, तो दिमाग के जो है तो फंक्शंस को ये प्रॉपर रखता है प्रॉपर उसमें, और जो है मेमोरी होती है हमारे जैसे कई बच्चों को याद किया हुआ भूल जाते हैं, इस टाइप की जो है दिक्कतें होती हैं, थोड़ा दिमाग की दिक्कत होती है उनको, मेमोरी की दिक्कत होती है, तो उन चीज़ को भी इम्प्रूव करता है। बट जो है बच्चों को आपको डॉक्टरी कंसल्टेशन के बिना ये नहीं देना चाहिए ऐसे भी, तो मेरी सलाह आपकी रहेगी आपके लिए कि जो है डॉक्टर की ज़रूर कंसल्टेशन लें बच्चों को एक बार देने से पहले। और जो है आपके दिमाग के साथ साथ अगर आपका दिमाग शांत होगा तो आपको जो है नींद भी अच्छी आएगी, तो आपकी स्लीप जो है जो नींद है जो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। अगर हम डोज की बात करें तो दोस्तों इसकी जो है 500 mg पर डे, यानी कि एक दिन में 500 mg जो है सेफ डोज है इसकी।
अगर हम इसके मार्केट प्रोडक्ट की बात करें तो दो तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कि हमारा हिमालय की अश्वगंधा की ये कैप्सूल टैबलेट होगी, 60 टैबलेट जो है इसकी आती है हमारी इस बोतल में, और ऑर्गेनिक इंडिया का जो है ये अश्वगंधा का प्रोडक्ट आता है। उसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं झंडू के हमारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे ये हमारा एक झंडू का प्रोडक्ट है, ये झंडू के जो है कैप्सूल है, और ये जो है हमारे पतंजलि का जो है बाबा रामदेव जी का ये है कैप्सूल आता है, ये 10 कैप्सूल आते हैं दोस्तों, इसमें दो स्ट्रिप आती हैं 10-10 कैप्सूल की। तो आप जो है, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, ये मार्केट में जो है मेन है मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप इसको नेचुरली भी जो, अगर आपको पौधा मिलता है तो वो भी आप इसको जो है एक बार कंज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जो इसका फ्रूट होता है। आपको अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट परचेज करना है या कुछ और प्रोडक्ट खरीदना आपको कोई दूसरा, तो वो जो है आप अपने हिसाब से खरीद लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो आप खरीद सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी, अश्वगंधा के बारे में सारी चीज़ें जो है दोस्तों आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अब आपको जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वो चीज़ भी आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो है जो भी क्वेरी है या टॉपिक है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर योर सपोर्ट एंड लव, मिलते हैं अगली वीडियो में।